आज कसोटी पर कसना आज कसोटी पर कसना। ऐसे सुना कसोटी पर सोने को खरा कस लेता है, उसी तरह से श्रोता है ये श्रोता रूपी कसोटी गाने वाले को कस के देख लेती है कि किसमें कितना चमत्कार है, किसमें कितना। आज कसोटी पर कसना, कसना ये नहीं, आज कसोटी पर कसना। लक्षण जो है विद्वान के पर कसना, लक्षण जो विद्वान के। एक कवि हरियाणा के, दूजे हैं राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। दूजे राजस्थान के, मेरा दूजे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। तुझे राजस्थान के, बोला तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान। ओहो हो हो तुझे राजस्थान के, हेरा तुझे राजस्थान के। और कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। तुझे राजस्थान के, बोला तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान। श्री शोराम जी, शोराम महाशय के पोते, 1100 दिए इनाम। शोराम महाशय के पोते, 1100 दिए इनाम। रुपए 500 और दे रहे अपने दिल को थाम। रुपए 500 और दे रहे अपने दिल को थाम। पितृश्वर की कृपा रहे, थरे भरे रहे धन धाम। ओ ईश्वर की कृपा रहे, थरे भरे रहे धन धाम। माँ ज्वाला, अरे माँ ज्वाला अनुकंपा कर दे तुम पर आठों याम। अरे माँ ज्वाला धरे तो कर दे आठों याम। माँ ज्वाला अनुकंपा कर दे कर दे आठों याम। सिद्ध रहे सिद्ध होए सब काम आपके। सिद्ध रहे सब काम आपके। सभी हूँ काम आपके, विधि से विधान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। तुझे राजस्थान के, तुझे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और तुझे राजस्थान के। La 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 मुझे सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। एक गुरु के दो शिष्य
और उनमें भी पहले तो समझदार बता दिया उनको, और फिर उन्हीं के द्वारा गुंडे शब्द का प्रयोग भी करवा दिया उनके लिए। जो एक ने दूसरे की टांग तोड़ दी तो दूसरे ने आकर के फिर टांग तोड़ दी। तो ये इस तरह के प्रचार प्रसार की यहाँ क्या आवश्यकता थी? बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। एक मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, पक्षपात के लिए तो मुझे पहले ही दोषी ठहरा दिया था। मैं बाजा बजा रहा था, हरियाणा वालों के साथ हाथ में कैसे बता दिया बजा दिया, मेरे साथ क्यों नहीं भाई? सुनील मेरे पास से बाजा उठा कर ले गया। मैं तो बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो एक लड़का ससुराल चला गया, घर से माँ ने कहा कि बीन नहीं लिया, चलो गो गांव के बाहर नहीं कोच हो को आगे मारो की साड़ी पानी भर ली। जीजाजी आज कहीं तो भाई तेरी बाण ने ले बटा है, तो बाण ने कह ले जाओगे तो बताओ, वह तो विधवा होगी। अब उसने सोची नहीं बात, क्योंकि बुद्धि का जो पर्दा है ना वो जहाँ खुलना चाहिए वही खुलता है। बाकी हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम तरीके से ही कुछ कहें और तरीके से ही लोगों को बताएं। उसने कुछ आव देखा था, वापिस ही घर आ गया। माँ बोली छोरा क्या हो रहा है? कहते जी कुन्ने ला तो वह तो विदो। अरे बड़ा मूंड का तेरे जीता जी विदो क्या हो? कुछ तू भी तो मेरे जीता जीता ही। अरे कर्म फूटा तेरो बाप मरियो जन्म में भी दुआ बिछू तो कहते उनको पाप मर गो। सोचने की बात है, सार्थक और निरर्थक हमारे पास दो जो है साहित्य के अंदर है, तो सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो गया। रतू जरा कहे तो जरूर गए कि आपने कौन सी बढ़िया बात बताई है, लेकिन ये इसलिए कहना पड़ा मुझे कि बुद्धिमान लोग जिस चीज को धारण करना चाहते हैं। हाँ रतूजा राजस्थान का, रतूजा राजस्थान का एक कवि हरियाणा, राजस्थान के कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। विष्णु के ध्रुव सुनी होगी करुण कहानी, परम भक्त विष्णु के ध्रुव सुनी होगी करुण कहानी, जो आज उत्तानपाद के लड़के थे जिन्हें दिव्य मिली राजधानी, उत्तानपाद के लड़के थे जिन्हें दिव्य मिली राजधानी, माता के कारण गए विपन में और भोगी थी हैरानी, माता के कारण गए विपन में भोगी थी हैरानी, एक खुद की माता रो रो के दुखी थी, खुद की माता रो रो के दुखी थी, हेरे मन में भरी गिलानी रे, खुद की माता रो रो के दुखी थी, हेरे मन में भरी गिलानी, बात किसी से ना छानी रे 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 रे, बात किसी से ना छानी। सुनिए सभी बात किसी से ना छानी, ये कथन सभी इंसान के, एक कवि हरियाणा के और दूसरे राजस्थान के। सब लोगों को याद है कि एक माता राजस्थान के, दूसरे राजस्थान के, दूसरी उठी होकर
राजस्थान के कवि चलते घोड़ों ले साथ सात हजार सगर के लड़के ले घोड़े को साथ अश्वमेध रचने के ढंग में भाई अश्वमेध यज्ञ रचने का लेकर बीड़ा हाथ अश्वमेध यज्ञ रचने का वो लेकर बीड़ा हाथ करी इंद्र ने बदमाशी करी इंद्र ने बदमाशी और ऐसा किया उत्पात करी इंद्र ने बदमाशी ऐसा किया उत्पात छिपा दिया घोड़े को छिपा दिया घोड़े को सजनों बड़ी अनोखी बात छिपा दिया घोड़े को सजनों बड़ी अनोखी बात दुखी हो गया गात सदी का रे 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 दुखी हो गया गात दुखी हो गया गात गात सभी का हाल सुनो परेशान के एक भी हरियाणा के और सर्वे राजस्थान के हाँ आज कसोटी पर कसना क्या लक्षण हो वान के एक भी हरियाणा के और तुझे राजस्थान के एक भी हरियाणा राजस्थान भाई परमानंद जी ने आपको शहर सदर के पुत्रों के बारे में भी कुछ कुछ बीच में कहा था और गंगा के बारे में भी बताया। अब गंगा अवतरण का जो प्रसंग है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसी गंगा के प्रसंग के अंदर ही हाँ इसी प्रसंग में गावो दोनों भाई इसी प्रसंग में गावो दोनों जिसके जो हो याद इसी प्रसंग में गावो दोनों जो हो तो हो याद इसी प्रसंग में गावो दोनों जिसके जो हो याद ध्रुव चरित्र या गंगा विवाह मैं करता हूँ फरियाद ध्रुव चरित्र या गंगा विवाह करता हूँ फरियाद ध्रुव की तरह भक्त तर गया था भवसागर से प्रहलाद ध्रुव की तरह भक्त तर गया था भवसागर से प्रहलाद ध्रुव की तरिया भव से तर गया भक्त से प्रहलाद और मिल के गाओ हर्ष मनाओ मत करना उन्माद मिल के गाओ हर्ष मनाओ मत करिए उन्माद मिल के गाओ हर्ष मनाओ मत करना उन्माद मिल के गाओ हर्ष मनाओ मत करना उन्माद आप दोनों हो उस्ताद रे 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 दोनों हो उस्ताद रवैया दोनों हो उस्ताद रवैया दोनों हो उस्ताद रवैया कविता के मिलान के एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के एक कवि हरियाणा के और
हरियाणा के और दूसरे राजस्थान के। समय समय जा रहा बातों में, समय जा रहा बातों में, इंसान भूल में क्यों खोवे। समय जा रहा बातों में, इंसान भूल में क्यों खोवे। अरे रागेंगे लागेंगे पाँव में कांटे जो तू खुद रस्ते में बोवे। लागेंगे पाँव में कांटे जो खुद रास्ते में तू बोवे। लागेंगे पाँव में कांटे तू रस्ते में जो बोवे। अरे दो दिन की जिंदगानी से बेकार यहाँ झगड़ा धोवे। दो दिन की जिंदगानी है बेकार यहाँ झगड़ा धोवे। कुछ कर्जा कुछ कर्जा सफल कमाई याद करके तुझको दुनिया रोवे। कुछ कर्जा सफल कमाई तुझको कर दुनिया रोवे। कर्जा सफल कमाई बंदे याद कर दुनिया रोवे। याद करे दुनिया रोवे। कमाई याद करे दुनिया रोवे। जो व्यर्थ बिहारी तू खोवे। ए रे 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 जो व्यर्थ बिहारी तू खोवे। हा शब्दों के मणिए पोवे क्यों व्यर्थ बिहारी तू खोवे। क्यों व्यर्थ बिहारी क्यों खोवे। ये श्वास अमर लगान के ये श्वास अमर लगान के अमर है। एक कवि हरियाणा के और दूसरे राजस्थान के। आज कसौटी पर कसना क्या लक्षण है विद्वान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। एक कवि हरियाणा के और दूजे राजस्थान के। मेरी अर्ज सुन रहे हैं दोनों। मेरी अर्ज सुन रहे हैं दोनों श्री परमानंद और मोजीराम। अर्ज सुन रहे हैं दोनों श्री परमानंद श्री मोजीराम। अब परमानंद खुद आएंगे और दिखलाएंगे निज प्रोग्राम। समय की सीमा 30 मिनट है इसका कर दिया है इंतजाम। उसके बाद शर्मा जी आवे अपने दिल को पूरा थाम। कवियों की है यहाँ कसौटी दिल में घालो सभी लगाम। श्रोताओं से यही निवेदन करो याद मथुरा के श्याम। निवेदन है भगवान को याद करो ये दोनों आपको ऐसा ज्ञान देंगे। देरी नहीं लगाएंगे हो देरी नहीं लगाएंगे अब गाएंगे कर कर के याद। यदि याद नहीं तो आपस में दोनों ही करना दोनों मत कर देना विवाद। याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है भाई मेरे तो कौन याद। यदि याद नहीं है तो आपस में मत कर देना आप विवाद। यह सत्संग है उमंग से गाना।
ये सत्संग है उमंग से गाना गाना लेकिन लेकिन मत गाना बेतादाद सीमा में रह करी लेकिन मत गाना बेतादाद ओ ये समय अमूल्य जा रहा है मित्रों मत करना इसे बर्बाद पैरों में सिर दिए हुए क्यों बैठ रहे श्री परमानंद पैरों में सिर दिए हुए क्यों बैठे हैं श्री परमानंद हरमोजी राम जी भी नाड़ झुका कर ले रहे सोने का आनंद अब जागो भाई अब जागो भाई आओ स्टेज पर ताजा कथ के गाओ छंद खीर जिलेबी खाए हैं अब बाकी रह गए कला कंद राधे श्याम भगवान की जय हो।